पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीन टेंस है और जीना हमेशा प्रेजेंट में है, लेकिन हम पास्ट के ख्याल में ज़्यादा गुजर रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे थॉट पे उसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। ऐसे ही आज मैं बात करने वाली हूँ पास्ट के ऐसे कुछ एक्सपीरियंस के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा लोग फेस करते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में। प्रेजेंट में कितनी ही ज़्यादा खुशियाँ वाली ज़िंदगी क्यों ना हो, लेकिन पास्ट में हुई कोई ऐसी चीज़ जो उनको प्रेजेंट में जीने नहीं देती। तो बस आज की वीडियो में मैं हिरल मोढ़ा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप आपके पास्ट को भुलाकर आप आगे बढ़ना चाहिए। एक बार महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का एक शो चल रहा था, वो एक प्रोग्राम कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे और उन्होंने अपना कॉमेडी सा जोक पेश किया, सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने वही जोक दोबारा किया, फिर उनमें से कुछ लोग हंसे, फिर वही जोक उन्होंने तीसरी बार किया, फिर कोई नहीं हंसा और सभी लोग सोचने लगे कि ये एक ही जोक हमें बार बार क्यों सुना रहा है, ऐसे हमें थोड़ी ना हंसी आने वाली है। चार्ली चैपलिन मुस्कुराते हुए बोले, जब आप एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही दुख पे बार बार रोने का क्या मतलब। तो बस इस बात से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो कुछ बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास है आपका आज, आपका ये प्रेजेंट, अगर ये भी बीत जाएगा ना तो आप ना कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग उस मुकाम पे होते हैं कि जहाँ पे उसके लिए सब कुछ हाजिर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास्ट की कुछ मेमोरीज के चलते वो अपनी आने वाली लाइफ को तो बर्बाद करते ही है, उसके साथ साथ अपने प्रेजेंट को भी कभी खुल के नहीं जीते और उससे ना उसकी कभी लाइफ अच्छी नहीं होने वाली। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी काफ़ी 20-30 साल यूं ही परेशानी को लेके चले जाते हैं, तो ये कई बार लाइफ के एंड में भी लोगों को रियलाइज़ होता है। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ लें उतना आपके लिए अच्छा है। क्या होता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, प्रॉब्लम ऐसी आई हुई होती है जिससे अपने आप के ऊपर सिंपथियाँ आती है या फिर अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, या फिर ऐसा लगता है कि मेरे साथ आपका पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपको लगता है कि जब मेरे साथ गलत हो रहा था तब इन लोगों को मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, इन लोगों को मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था जिन्होंने नहीं लिया। तो अब उसके लिए तो इतिहास गवाह है, द्रौपदी का वस्त्रहरण देख लो। देखो ये धार्मिक मोमेंट में मैं आपको नहीं घिसट रही, लेकिन मेन चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कहीं भी आपको खुद अपना स्टैंड लेना होता है, आपको खुद अपनी और अपनी फाइट को लड़नी होती है, अपनी लाइफ को खुद जीना होता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लो कि आप एक कार में बैठे, ये आपकी जो एक लाइफ है ना उसकी जर्नी में आप अपने एक कार में बैठे हुए हैं, अब आपकी लाइफ चल रही है, आप रास्ता काट रहे हैं, आप जिंदगी जी रहे हैं, उस दौरान आप पीछे के रियर व्यू मिरर में से पास्ट को भी देखेंगे, लेकिन चला कहाँ रहे हो, प्रेजेंट के अभी के मोमेंट में आप चला रहे हो, अभी आप जहाँ पे रोड पे हो वहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, भाई आगे क्या आ रहा है, ठीक है आगे क्या आ रहा है, आगे कौन सा ट्रैफिक में कौन सी सिग्नल है, कोई गड्ढा है, कोई इंसान जा रहा है, क्या हो रहा है, आपको आगे की ओर देखना है। पीछे देखना है कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या पास्ट आपके साथ आ रहा है, क्या पीछे से कौन आ रहा है, ये आपको देखना है। लेकिन आपको पीछे मुंह करके गाड़ी नहीं चलानी, अब आप ही इमेजिन करो कि भाई आप गाड़ी पीछे की ओर देख के चला रहे हो तब क्या होगा। सेम एग्जैक्ट चीज़ आप अपनी लाइफ के साथ कर रहे हो, आप पास्ट में ही पड़े हो, आप वहीं पे मुंह रख के आपकी गाड़ी चला रहे हो, अब तो घड़ांग एक्सीडेंट होना ही है। तो आपको ना पास्ट मिटाने की, भुलाने की या फिर अपने आप के ऊपर जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में ऐसे मोमेंट बनाओ कि पास्ट यूँ भूल जाओ। अब लाइफ ही ऐसी है कि पास्ट को याद करने की ज़रूरत ही नहीं, और फ्यूचर भी ऐसा बनेगा कि लोग कहते रह जाएंगे। और हाँ एक बात मुझे याद आई कि अगर आपको कई बार ऐसा केस भी होता है कि जहाँ पर आपको लगे कि मुझे इससे बदला लेना है, लेना नहीं होता लेकिन कोई ऐसा पेन दे चुका है कि उसको भी मुझे ये दुख पहुँचाना है ताकि उसे रियलाइज़ हो या फिर मुझे बदले लेने की भावना है, तो उसे माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ कर देना अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। अगर आप माफ़ कर दोगे ना तो आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे।
और अगर आपको ये माफ़ी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में ना आए ना, तो प्रेजेंट को इस तरीके से जियो और अपना फ्यूचर इस तरीके से बनेगा कि वो बदला अपने आप ही ले लेगा। क्योंकि आप जितना खुश होगे ना, आपका दुश्मन उतना ही दुखी, क्योंकि वो आपको खुश देखना तो नहीं चाहता। और आप होगे मूव ऑन करके यू मजे से जी रहे हो, अब ये चीज़ और ये बात उसे कैसे हजम होगी कि भाई आप मज़े कर रहे हो। तो अगर कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हुई हो, लाइफ एक टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ जाएगी और कट जाएगी और लाइफ को जब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये तो सब ख़त्म, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे। आज से ही समझ लो कि आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर हो, मतलब आप आपके लाइफ के ड्राइवर हो। आपको आपकी लाइफ को बनानी है या फिर बिगाड़नी है, या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इन सभी के साथ साथ ऑलवेज पास्ट के लेसन्स को याद करते हुए, प्रेजेंट में अच्छे से ड्राइव करते हुए, और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम हो, अपॉर्चुनिटी हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, उस टारगेट को देखते हुए, जैसे हम गाड़ी में आगे देखते हैं उस तरीके से देखते हुए आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हो, फिर आप देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छे से चेंज होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपका इसके रिलेटेड क्या मानना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।